तो शुरू करते हैं। कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इज द गेटवे ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। आज हर पांचवा करोड़पति जो है वो इस फील्ड से आ रहा है और यंग लोग हैं इसमें आने वाले, ठीक है। तो दोस्तों दिस इज संजय तिवारी इन फ्रंट ऑफ यू। आज जो हमने मीटिंग रखी है उसका एक एजेंडा है कि जिस इंडस्ट्री में हम हैं उस इंडस्ट्री के पास एक बहुत बड़ी पावर है, क्या है वो, प्रोडक्ट की पावर। क्या हम उसके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी रखते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति उतने ही पैसे कमाता है जितने का कि वो जानकार होता है। जिस रास्ते के बारे में आप जितना जानते हैं उसके ऊपर आपकी गाड़ी उतनी ही स्पीड से दौड़ती है, लेकिन जिस रास्ते के बारे में आप अनजान होते हैं उस रास्ते पे आपकी गाड़ी कभी भी स्पीड नहीं पकड़ती। क्या मैं सही बोल रहा हूं? मैंने देखा है इस इंडस्ट्री में ना हर इंसान की सबसे पहली प्रायोरिटी पता क्या होती है, पैसा कमाना। हर कोई चाहता है कि मैं बहुत ज्यादा से ज्यादा पैसा इस इंडस्ट्री से कमाऊं, और आप भी शायद ये सोचकर आए हैं कि मैं यहां से ज्यादा पैसा अर्न कर सकूं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि यहां पे पैसा वही कमाता है जो पैसे को सेकंड प्रायोरिटी पे रखता है और प्रोडक्ट को नंबर वन प्रायोरिटी पे रखता है। जो प्रोडक्ट को नंबर वन प्रायोरिटी देगा वो इसमें से सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा, क्योंकि आपकी 80% यानी कि 80% इनकम जो है वो आपके प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर निर्भर करती है। अब इसे कैलकुलेशन लगाना शुरू करिए, अगर आपको प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है और आप अगर मान लो 20,000 रुपया महीना कमा रहे हैं तो वो कितनी परसेंट इनकम हुई? सिर्फ 20%, क्योंकि वो इनकम आपने जनरेट की है आपकी अपलाइन की ट्रेनिंग की बदौलत, आपकी टीम की मेहनत की बदौलत, ठीक है, आपने जो कॉन्टेक्ट किया लोगों को उसकी बदौलत। लेकिन आप यही इनकम 80% और, यानी कि आप सोचिए कि यही इनकम आपकी 4-5 गुना ज्यादा हो सकती थी अगर आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होता। तो प्रोडक्ट का नॉलेज जिस भी फील्ड में इंसान है, जैसे मान लीजिए आपके पास मेडिकल स्टोर है, अगर आपको यही पता नहीं है दवाई कहां रखी है, कौन सी दवाई किसको देनी है, दवाई के बारे में आप कुछ जानते नहीं है, तो क्या आप सेल कर पाएंगे? जवाब दीजिए यस या नो। नहीं, नहीं हो पाएगी ना। तो इसलिए हमारे लिए अगर पैसा इम्पोर्टेंट है, पैसा हमको चाहिए, हमको लाइफस्टाइल अपना ड्रीम पूरे करने हैं, दुनिया की सैर करनी है, ठीक है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, अपनी मन पसंदीदा कार चाहिए, मन पसंदीदा शॉपिंग करनी है, अपना मतलब सोच के हिसाब से बड़ा घर चाहिए जो हमारा सपना है, ठीक है, मन चाहिए जिंदगी को जीना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए। लेकिन पैसा यहां पे फिर मैं वही कमा रहा हूं, बता रहा हूं कि पैसा कमाएगा वही जो अपने प्रोडक्ट के बारे में उसकी डेप्थ तक नॉलेज रखता है। मैं एक कहानी के जरिए बताता हूं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। एक बार क्या होता है कि एक कुम्हार होता है, उसके पास ना एक गधा होता है। तो कुम्हार एक बार ना अपने गधे को लेके, करीब शाम का समय था, ना रात थी ना दिन था, नदी के किनारे से लेके गुजरा तो देखता है कि एक पत्थर जो है वो बहुत चमक रहा है। तो कुम्हार की उस पत्थर के ऊपर नजर पड़ गई, उसने वो पत्थर उठाया और देखा उसके बीचों बीच एक होल है, इत्तेफाक से था वो। अब उसने पत्थर को देखा, यार बड़ा अजीब पत्थर है, बड़ा चमक रहा है। उसने क्या किया, उसने उस पत्थर के बीच में जो होल था उसमें से एक रस्सी निकाली और एक माला जैसा बनाया और गधे के गले में बांध दिया। उसके लिए कोई नॉर्मल पत्थर था, वो इसकी चमक के बारे में कुछ नहीं जानता था। बात को समझना कि एक व्यक्ति, आम व्यक्ति के जब हाथ में आप MYL-45 या अपना MA-JEST या सी वक्तौर्न देते हैं तो उसके लिए वो कुम्हार वाली स्थिति ही है। वो उस जिस तरह वो उस पत्थर के बारे में कुछ नहीं जानता था, उसी तरह से वो व्यक्ति आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं जानता। अब वो क्या कि उसने क्या किया कि वो अपने जब पत्थर उसने गधे के गले में बांध दिया, गधे को लेके आगे निकला, शाम का समय था, उसकी मुलाकात ना एक जौहरी से हो जाती है। तो जौहरी उसको पूछता है कि ये गधे के गले में तूने क्या बांध रखा है? वो कहता है यार मुझे पता नहीं है, बस एक चमकदार पत्थर मिला मुझे, मैंने बांध दिया, मेरा गधा खुश है, अच्छा लग रहा है। बोलता है बेचना है? बोला यार बेच के भी क्या करूंगा, गधा खुश है ना। बोलता नहीं फिर भी बेचना है तो बता कीमत कितनी। उसने उसको बोला यार मैं ना इसके 100 रुपया लूंगा। तो वो जौहरी उसको कहता है पागल हो गया, पत्थर ही तो है एक, मैं तेरे को 20 रुपया दूंगा। वो कहता है यार 20 में मुझे नहीं देना। कहता नहीं मैं अभी भी कह रहा हूँ 20 रुपया ले ले। कहता नहीं, कहता पत्थर ही तो है यार, कहता पत्थर ही है ना, तो नहीं देना 20 रुपये में, कम से कम मेरे गले के गले में अच्छा लग रहा है। तो कहता जौहरी खड़ा होकर पता क्या सोचता है कि अब ये थोड़ी दूर ना आगे जाके फिर मेरे को आवाज देगा। अक्सर लोग जब कोई डीलिंग करते हैं, जब किसी दुकान में सामान लेते हैं, तो वो इस तरह से अपना ऐसा रेट छोड़ के आते हैं, फिर
उस स्पीड में वापिस नहीं आते, वो धीमी चाल में चलते हैं और पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं अपने कान लगा लगा कर कि पीछे से कोई आवाज आएगी कि वो वापिस बुलाएगा, चल इतने में ले जाओ। ऐसे वो जोरी इंतजार कर रहा था कि अभी पीछे ये आगे जाकर ना वो कुम्हार जो है वो मुझे आवाज देगा, चल 20 में ले जा। लेकिन कुम्हार ने उसको आवाज नहीं दी। अब कुम्हार थोड़ी दूर आगे गया, उसे एक जौहरी और मिला। वो तो उसको कहता है कि ये तेरे गधे के गले में क्या है? उसने कहा यार एक पत्थर है। कहता बेचना है। अब कुम्हार सोचने लगा यार कि दो व्यक्ति मिले और दोनों की नजर इस पत्थर पे पड़ी, इसका मतलब ये कोई आम पत्थर नहीं है, इस पत्थर में कोई जरूर चुंबकीय शक्ति है जो लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, इसमें जरूर कुछ खासियत है। तो कहता यार तुम कितने पैसे दोगे? कहता नहीं तू कितने लेगा? उसको लगा यार जरूर पत्थर कीमती होगा। वो कहता 1000 रुपया लूंगा। उसने 1000 रुपया निकाला और उसको दे दिया। जौहरी पत्थर लेके आगे निकल गया। अब जो पहले वाला जौहरी था उसके दिमाग में आया यार कि मैं जाता हूं वापिस, क्योंकि पत्थर तो कीमती है। वापिस जब वो उस कुम्हार के पास पहुंचता है, देखता है गधे के गले में पत्थर नहीं है, वो धड़ाम कर नीचे गिर जाता है, जैसे अफसोस करता है, चिल्लाता है, कहता बे गधे वो पत्थर कहां गया? कुम्हार को कहता है बे गधे वो पत्थर कहां गया? कहता पत्थर तो मैंने बेच दिया। बोले कितने में? बोले 1000 रुपए में। बोलता तेरे से बड़ा गधा भी कोई नहीं होगा, गधे तो मैंने बहुत देखे, तेरे से बड़ा गधा भी कोई नहीं होगा। बोले क्यों? अबे लाखों का पत्थर था वो। बोले तेरे लिए लाखों का था क्योंकि तुझे उस पत्थर की वैल्यू पता थी, उस पत्थर का नॉलेज था, उसकी ताकत पता थी, मुझे तो पता नहीं थी, मैंने फिर भी 1000 रुपया कमाया। यानी कि वो अपने उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानता था, तो उसकी इनकम सिर्फ 20% के हिसाब से ही थी, जैसे लोगों ने लगाई सिचुएशन के हिसाब से उसने कमाए। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट के बारे में जानता होता, वो जौहरी उसको कहता है कि वो लाखों का पत्थर था, तू बहुत बड़ा गधा है यार, तू अपने गधे से भी गधा है। तो वो कहता है देख मैं तो कुम्हार हूं यार, मैं मिट्टी ढोने वाला आदमी हूं, मुझे पत्थरों का कोई नॉलेज नहीं, पर तू तो जौहरी था, तुझे पता था इस पत्थर की कीमत इतनी है, तो गधा तू है या गधा मैं ये बता, या जो गधे के गधे में गले में डाला था असली गधा वो है वो बता। सो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि यहां पे देखने वाली बात है कि उस व्यक्ति को अपने जौहरी को पता था कि ये पत्थर लाखों का है, लेकिन उसने उसको एक्सप्लेन नहीं किया। जिस व्यक्ति को अपने प्रोडक्ट के बारे में पता है लेकिन वो लोगों को एक्सप्लेन नहीं करता, वो इसको बोरिंग चैप्टर समझता है, समझ लेना वो सब कुछ नॉलेज होने के बावजूद भी उतना बड़ा इंसेंटिव नहीं बना पाता जितने के वो बना सकता था। बिल्कुल सर, क्लियर है। अब दूसरा वो व्यक्ति है कि जिसको उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, किसको? कुम्हार को। जी सर। तो वो लाखों का पत्थर सिर्फ 1000 रुपए में एक पत्थर समझ के दे दिया उसने, और उनके बीच में एक और क्या बोलते हैं पार्टी थी, वो था गधा। वो तो प्योर गधा था जिसको कोई पता ही नहीं गले में पत्थर है या नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे जुड़ जाते हैं जिनको पता ही नहीं है प्रोडक्ट की, कितना मर्जी वैल्यू समझा लो उसको प्रोडक्ट की वैल्यू पता ही नहीं होती। ठीक है, उसके लिए ठीक है यार तुम कर रहे हो मैं कर रहा हूं, दैट्स इट। समझ गए ना बात? तो मेरा कहने का मतलब है आप बात को अंडरस्टैंड करना, आज का मीटिंग का एजेंडा एक ही है माय डियर कि यू आर द गन। आप किसी मैजिक बुलेट का इंतजार मत करिए, योर प्रोडक्ट इज मैजिक बुलेट। आपका प्रोडक्ट एक ऐसी मैजिक बुलेट है कि जो बहुत बड़ा काम कर सकती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक तोप का गोला होता है, अगर उस गोले को या रिवॉल्वर की या बंदूक की एक गोली होती है, उस गोली को उठा के अगर मैं किस को जो मेरे पास बंदा खड़ा है 2 मीटर की दूरी पे उसको ऐसे मारूंगा तो क्या बंदा मर जाएगा? नहीं। लेकिन वही गोली जब मैं गन में डालकर मारूंगा तो वो सामने वाले को खत्म कर देगी। कहने का मतलब ये कि योर प्रोडक्ट इज योर मैजिक बुलेट, वो एक बहुत बड़ी गोली है और उस यू आर द गन, आपका जो नॉलेज है ना वो उसकी गन है। उस गन में जब फिट करके वो प्रोडक्ट सामने वाले को पेश किया जाएगा तो दोस्त नतीजे बहुत ज्यादा भयंकर निकलेंगे। मैंने एक चीज को यहां पे रिपीट किया, योर 80% इनकम इज डिपेंड ऑन योर प्रोडक्ट नॉलेज। आप अंडरस्टैंड करिए, आप अपने दिल पे हाथ रख के एक बार सोचिए कि आपने आपको फील करिए कि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में कितना नॉलेज है। अगर आपको बहुत कम नॉलेज है, क्योंकि हमने अभी इवेंट लगाए थे
तो हमने इवेंट के अंदर एक चीज बताई थी कि प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने से पहले, प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने से पहले आपको तीन प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा। सबसे पहली प्रक्रिया है कि उस प्रोडक्ट को परचेज करिए, पहले वाई करिए, खरीदिए पहले। मोस्टली लोग क्या सोचते हैं, कंपनी से लिया, लोगों को दिया, बीच में इंसेंटिव लिया, दैट्स इट, बात खत्म। ये प्रक्रिया नहीं है। सबसे बेस्ट क्या है कि पहले तो अपने प्रोडक्ट को खरीदो, खरीदने के पहले वाई करो, वाई करने के बाद उसको यूज करो। देखो जैसे एक रेमंड वाला क्या करता है, जब वो कपड़ा बनाता है तो उसकी टेस्टिंग करता है। टेस्टिंग कब होती है, मतलब जब वो यूज करता है उसको रफ एंड टफ। जब मार्केट में MRF टायर है, कॉन्टिनेंटल टायर है, ऐसे बहुत सारी टायर कंपनियां हैं, वो जब टायर का रबड़ बनाती है तो उस रबड़ की टेस्टिंग होती है पहले, कि वो रबड़ कितना टेम्परेचर तक, कितनी स्पीड तक जो है वो कितने टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, कितनी हीट को वो सहन कर सकती है, कितनी स्पीड को सहन कर सकती है, कितने प्रेशर को सहन कर सकती है, उसकी टेस्टिंग होती है, यूज होता है। ठीक है, तो हमने क्या प्रोडक्ट को खरीदा, यूज किया, फिर वो महसूस करते हैं, उस पर एनालिसिस करते हैं, उसको एनालिसिस कहते हैं, कि एनालिसिस करते हैं कि यार एक जैसे मान लीजिए आपकी कोई बल्ब कंपनी है, आपने एक बल्ब बनाया तो आपको बल्ब बहुत अच्छा है, इसका कैसे पता चलेगा, जब आप उसको यूज करेंगे, टेस्ट करेंगे। आपने 10-12 घंटे कंटिन्यू लगाया, प्रेशर वोल्टेज बढ़ाई, कम की, बार बार स्विच ऑफ ऑन किया, तो आपने यूज किया, उसके बाद यूज करने के बाद आपने एनालिसिस किया, फील किया कि अगर इसमें कोई कमी है तो उस कमी को ठीक करके बाद में उसकी आपने मार्केट में एडवर्टाइजमेंट करने शुरू की, उसको प्रमोट करने शुरू किया। यही प्रिंसिपल है दोस्त डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। आप अपने प्रोडक्ट को पहले यूज करिए, उसको एनालिसिस करिए, फील करिए, देन प्रमोट करिए। जब आप फील कर चुके होंगे तो आपका प्रमोशन के टाइम पे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा, और जब कॉन्फिडेंस से कोई बात की जाएगी तो सेल होगी, और जब सेल होगी, सेल इसलिए हो क्योंकि आपका नॉलेज है, आपके नॉलेज की वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, और जब सेल होगी तो आपका इंसेंटिव ऑटोमेटिक ही जंप करेगा। आप सोचिए कि एक प्रोडक्ट के साथ आप पिछले 6 महीने से जुड़े हैं, कोई 8 महीने से जुड़ा है, कोई साल से जुड़ा है, कोई 1.5 साल से, कोई 2 साल से, ऐसे मतलब हर व्यक्ति जो है ना, मतलब उसके एक टाइम फ्रेम है जितने टाइम से वो जुड़ा हुआ है, लेकिन वो एक चीज देख रहा है कि हर महीने या तो वो 5,000 कमा रहा है तो 4,500 ही कमा रहा है, कोई 6,000 कमा रहा है तो 6,500 ही कमा रहा है। ठीक है, कोई व्यक्ति जो है वो 10 कमा रहा है तो वो 8, 10, 10, 12 के बीच में ही है। क्यों? उसकी इनकम स्टेबल क्यों हो चुकी है? क्योंकि वो उसकी इनकम इसलिए स्टेबल हो चुकी है क्योंकि उसने अपने प्रोडक्ट के नॉलेज को स्टेबल कर दिया है। वो उसको इंक्रीज नहीं कर रहा, उसको एनालिसिस नहीं कर रहा है, वो प्रमोट कर रहा है, लेकिन वो जितना पहले नॉलेज रखता था उतना ही प्रमोट कर रहा है, उससे ज्यादा प्रमोट नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके पास उतना ही नॉलेज है। तो आप इस बात को आज टैगलाइन बना लीजिए कि आपका 80% इंसेंटिव जो है, 80% इंसेंटिव, 80% जो इनकम है, आमदनी है, आय है, वो आपके इस बात पर निर्भर करती है कि आप जिस चीज को बेच रहे हैं उसके बारे में आपके पास कितना ज्ञान है, कितना नॉलेज रखते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर वो स्टोरी तो मैंने आपको बताई थी, गधे वाली, कुम्हार वाली और जौहरी वाली, इनमें कमा कौन गया? गधा तो गधा ही था, उसको हम दोष नहीं दे सकते, लेकिन इसमें असली गधा कौन बन गया? जौहरी, जिसको पता था लेकिन उसने उसकी वैल्यू नहीं समझी, एक्सप्लेन नहीं किया, सही कीमत नहीं लगाई, सही दाम नहीं लगाया। और जो कुम्हार था वो तो देखा जाए तो वो तो कमा ही गया, पर अगर उसको एक्चुअल नॉलेज होता तो क्या वो 1,000 रुपये में अपने उस हीरे को देता? नहीं, वो लाखों रुपया अर्न कर सकता था। ठीक है, अपने प्रोडक्ट की ताकत को समझिए। कई बार क्या होता है कि हम मार्केट में जब किसी को प्रोडक्ट देते हैं तो बंदा पता क्या बोलता है, यार उस बंदे को ना कैंसर है वो ठीक हो जाएगा, यार उसको ना बीपी का प्रॉब्लम है, मेरे चाचा को बीपी का प्रॉब्लम है, क्या वो गारंटी देते हो तुम ठीक हो जाएगा? भैया एक चीज अंडरस्टैंड करो, ये जो इंसान का जो शरीर है,
ये मेड बाय द गॉड है, किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया गया, ये परमात्मा ने बनाया है। जब परमात्मा की बनाई हुई वस्तु चीज के अगर कोई उसको प्रॉब्लम आ सकती है, जब उसकी कोई गारंटी नहीं है, तो तुम यार ये 500 700 हजार 2000 5000 की इन्वेस्टमेंट में क्या गारंटी ढूंढ रहे हो। पर कई बार क्या होता है, हम प्रोडक्ट बेचने की बजाय ना गारंटी बेच के आ जाते हैं। हमें गारंटी नहीं बेचनी है, हमें बेनिफिट बेचना है। आप एक पंखा खरीदते हो, पंखा खरीदते हो तो क्यों खरीदते हो, कि इसमें 3 पंखे लगे हुए हैं, कलर बहुत अच्छा है, ऐसे ऐसे घूमता है, ले लेते हैं? नहीं, पंखा नहीं खरीदते, पंखे से मिलने वाले बेनिफिट खरीदते हैं। हम जो है ना वो फ्रिज नहीं खरीदते घर में, रेफ्रिजरेटर जिसे कहते हैं, हम उससे मिलने वाले फायदे खरीदते हैं। ठीक है ना, तो कोई भी हम प्रोडक्ट अभी टॉर्च खरीदते हैं, हम लेकर नाइट में कहीं जाना है तो टॉर्च, तो हम टॉर्च नहीं खरीदते, टॉर्च का क्या बेनिफिट है, क्या फायदा है, उसमें क्या पावर है, क्या ताकत है, वो हमें क्या किस समय किस परिस्थिति से बाहर निकाल सकती है, हम उसकी वजह से, उसके फायदे की वजह से, उसकी उस ताकत की वजह से हम उसको परचेज करते हैं। एसी को भी हम वैसे ही खरीदते हैं। ऐसे ही कोई व्यक्ति अगर आपसे प्रोडक्ट खरीद रहा है ना, तो रियल माइंड में एक चीज अंडरस्टैंड करो, वो प्रोडक्ट खरीद रहा है, वो क्या चाहता है, बेनिफिट, फायदा। आप उसको गारंटी बेच के आते हो या बेनिफिट बेच के आते हो, दोनों चीजों में फर्क है। अगर आपने गारंटी बेची है, इट मींस कि आपने अपनी लाइबिलिटी बढ़ा ली है। आपने कहा सर फुल गारंटी है, कैंसर दूर हो जाएगा। भैया कैंसर का इलाज उसकी गारंटी डॉक्टर नहीं लेता, आप कैसे ले सकते हो? तो ये शब्दों के माया जाल में, या इसको ऐसे कह लीजिए कि लो नॉलेज के चक्कर में अपने सिर पे लाइबिलिटी मत बढ़ाओ। अंडरस्टैंड करो व्हाट वी आर सेलिंग, हम क्या बेच रहे हैं। आवर प्रोडक्ट्स डू नॉट क्योर डिसीज, हमारे जो प्रोडक्ट हैं, हमारे जो उत्पाद हैं, वो किसी बीमारी का इलाज नहीं करते, पहले अंडरस्टैंड करो। बिकॉज वी आर नॉट इन इलनेस इंडस्ट्री, वी आर इन वेलनेस इंडस्ट्री, हम वेलनेस इंडस्ट्री में। हमें ये चीज को समझना होगा। और मैं आपको इस बार की गारंटी देता हूं, ये जूम मीटिंग के बाद इस बार जो है ना रिकॉर्ड भी हार से टूटने वाला है। और इसीलिए तो आज हम बैठे हैं। ठीक है, तो हमें ये समझना होगा कि हमारे जो उत्पाद हैं, हमारे जो प्रोडक्ट हैं, वो किसी बीमारी का इलाज नहीं करते। सबसे पहले तो इस बात को समझना होगा। बहुत सारे लोगों को मेरे कई बार व्हाट्सएप आता है, सर उसको ये बीमारी है, उसको कौन सा ये देंगे तो क्या उससे, साथ में लिखा था क्या उससे ये ठीक हो जाएगा, या मैंने उसको ये दिया है क्या उससे ये ठीक हो जाएगा। बट आप एक चीज ना अंडरस्टैंड करो, इस पृथ्वी पर अगर सबसे बड़ा कोई चमत्कार है, या भगवान ने कोई चमत्कार किया है, तो इंसान को बनाकर किया है। इंसान को बनाने के बाद भगवान ने दूसरी कोई डिवाइस नहीं बनाई इंसान जैसी। मतलब सबसे चमत्कारी चीज अगर कोई बनाई है तो वो इंसान बनाया है। इंसान की बॉडी में इतनी ताकत है कि जब कहीं से इंसान कट जाता है, अगर वो कहीं जंगल में है, अगर उसके पास कोई मेडिसिन नहीं है, तो दोस्त कुछ देर के बाद देखना ऑटोमेटिक ही वो खून ऑटोमेटिक कहां, अंदर बॉडी के अंदर ही डॉक्टर बैठा है, वो अंदर आके उसको रिपेयर कर देता है, खून वहीं जाम हो जाता है। मतलब बॉडी में इतनी ताकत है कि वो हमारी बॉडी जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकती है, लेकिन उसके लिए बॉडी तंदुरुस्त होनी चाहिए, और बॉडी की तंदुरुस्ती हमारे अंदर के इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करती है। देखो एक बैटरी होती है, उसकी जो लाइट होती है वो इस बात पर निर्भर करती है कि उसके जो अंदर सेल हैं, जो उसके अंदर सेल डाले गए हैं, उनमें कितनी पावर है। सेल वीक होंगे तो रोशनी वीक होगी, सेल पावरफुल होंगे तो रोशनी भी पावरफुल होगी, प्रकाश भी पावरफुल होगा अगर सेल पावरफुल है। तो इंसान के अंदर जो है ना वो सेल है, सेल्स हैं। ठीक है, तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को
बढ़ा देते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग कर देते हैं, क्योंकि सिस्टम के कमजोर होने पर ही व्यक्ति को बड़ी से बड़ी बीमारियां घेर लेती हैं। देखना कभी हीमोग्लोबिन ग्लोबिन कम होता है, क्यों हीमोग्लोबिन कम होने से अक्सर लोगों को देखना कैंसर वाले इंसान, जो कैंसर वाला मरीज होगा उसका सबसे पहले खून खत्म होने शुरू होता है। कारण क्या है? हीमोग्लोबिन, खून के अंदर ऑक्सीजन होती है, इसको हाइपोक्सिया कुछ ऐसा बोलते हैं, जिसको कैंसर होता है इसकी वजह से होता है, ठीक है। क्योंकि खून क्या करता है, खून अपने साथ ऑक्सीजन को लेकर चलता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। तो जहां पे भी जिस जख्म पे अगर खून पहुंच रहा है ना, खून बराबर फोर्स में पहुंच रहा है, अगर उसके सेल बराबर एक्टिव हैं, खून बराबर फोर्स में पहुंच रहा है, तो वहां ऑक्सीजन पहुंच रही है, और जहां ऑक्सीजन पहुंच रही है वहां इंसान जल्दी ठीक होने शुरू हो जाता है। तो हमारे जो मेन प्रोडक्ट है, हमारे जो मेजर प्रोडक्ट है, वो हमारे जो प्रोडक्ट है उसका मेजर वर्क क्या है, हमारे अंदर के जो सेल हैं उनके अंदर ऊर्जा पैदा करना, उनको उस लेवल तक लेके जाना जिस लेवल पे भगवान ने हमको चार्ज करके भेजा था। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए हम इस संसार में जितनी भी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उनमें एक अलग ही ऊर्जा है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। फिर वो चाहे फोन हो, आपके पास लाख रुपए का फोन है और एक फोन है आपके पास 10,000 का, आप सफर पे निकलते हैं, जो लाख रुपए दोनों फोन आपके हाथ में है, लेकिन होता क्या है कि जो लाख रुपए वाला आईफोन है, जो कोई भी फोन कह लीजिए, लाख रुपए का सैमसंग का हो सकता है, क्या बोलते हैं दूसरी कोई कंपनी आईफोन हो सकता है, दूसरी कोई कंपनी का हो सकता है, वो लाख रुपए का है, लेकिन उसकी बैटरी डाउन हो जाती है, ऊर्जा खत्म है उसके अंदर। आप और जो 20,000 वाला है वो चल रहा है, उसकी अभी भी पावरफुल बैटरी है। अगर इस जगह पर मैं हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों को अपने हाथ में कैरी करने की बजाय जिसकी ऊर्जा डाउन हुई है ना उसको थैले में डाल दूंगा कि अभी मेरे किसी काम का नहीं, इससे अच्छा बैटरा है, क्योंकि अगर इसको मैं थैले में डाल देता हूं, अगर बाहर रह गया और कहीं भूल गया तो इसमें ऊर्जा नहीं है, मैं फोन भी लगाऊंगा तो आउट ऑफ कवरेज आएगा, कनेक्टेड नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब उसमें ऊर्जा नहीं रही, तो वो उस टाइम वो 20,000 वाला काम करेगा क्योंकि उसके अंदर एनर्जी है, ठीक है। चूल्हा हो तो हम संसार में जितनी भी चीजों से कनेक्टेड है ना, वो उन चीजों के साथ कनेक्टेड है या जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऊर्जा से भरी हुई है, जैसे मोबाइल का हम इस्तेमाल करते हैं, टीवी का हम इस्तेमाल करते हैं, बल्ब का हम इस्तेमाल करते हैं, पंखे का इस्तेमाल करते हैं, कार का इस्तेमाल करते हैं, चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं, फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एसी का इस्तेमाल करते हैं, फिर रिमोट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों में क्या है, ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा खत्म रिश्ता खत्म। देखिए जब किसी रिमोट के सेल की ऊर्जा खत्म हो जाती है तो सेल दो प्रकार के होते हैं, या तो हम उनको चार्ज रिचार्ज कर सकते हैं या तो रिप्लेस कर सकते हैं। मैक्सिमम केसेस में हम क्या करते हैं, रिचार्ज करने के झंझट से बाहर निकल कर उनको फेंक ही देते हैं और दूसरे सेल डाल देते हैं, यही होता है ना, ठीक है ना। तो इस तरह जिस जो इंसान है ना, हमारा जो पिंड है, ये हमारा जो शरीर है, ये पृथ्वी पर से लेके आसमान तक उन्हीं चीजों के साथ कनेक्टेड है जिनमें ऊर्जा है, या कह लीजिए कि ये तब तक ही कनेक्टेड है जब तक इसमें ऊर्जा है। जैसे हम सूर्य के साथ कनेक्टेड है, कई बार कहते हैं कि यार विटामिन डी की कमी आ गई, आप एक काम करो सुबह सुबह सूर्य की 20 मिनट धूप लो। तो ये एक एनर्जी जब दूसरी एनर्जी से कनेक्टेड हो रही है, बेटिंग कमिंग बैक।